हमारी बात हो गई थी CCMM, कोना कोना मिडल मिडल, कोना कोना मिडल मिडल। तो सर कोना कोना का मतलब क्या हुआ? देख, कोना कोने का मतलब ये हुआ, कोना कोना का मतलब ये है, ये कोना, ये कोना। मिडल मिडल का मतलब हुआ ये मिडल, ये मिडल। कोना कोना मिडल मिडल क्या हो जाएगा फंडा? फॉर्मूला लगा दीजिएगा, साइन सी, इसको एक साथ लिख लीजिएगा, कोना कोना मिडल मिडल को। साइन 47 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। हाँ, ये कब लगता है? जब प्लस प्लस माइनस माइनस आता है तो कोना कोना मिडल मिडल लगता है। ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। हाँ, इस पे होमवर्क भी दिया था और बहुत सारी बातें भी हमने की थी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा इसका? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ जी, कीजिएगा, फिर देखते हैं। ये हो जाएगा 2 cos, बोलते रहिएगा भाई आप, है ना? इनको ऐड करेंगे तो 72/2, और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ 22/2 प्लस 2 cos, इसका बोलिएगा 72/2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन, बोलते रहिएगा 50/2। हाँ जी, तो ये बन गया आपका 2 cos, बोलिएगा 36 साइन 11 प्लस 2 cos 36 साइन 25। क्या कॉमन आ रहा है? 2 cos 36 कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका? साइन 11 प्लस साइन 25 वापस लगा दीजिएगा। हाँ, क्या बनेगा? 2 √5 प्लस 1/4 ये बन गया है, और इधर वाला 2 बोल दीजिएगा। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला तो आपको आता है, तो इनका सम कोस किसके साथ? साइन के साथ। साइन के साथ सम कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 36/2, और यहाँ कोस के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो माइनस आएगा, और माइनस क्या आ जाएगा? माइनस का 14/2, जो कोस माइनस को क्या कर देता है? कोस माइनस को प्लस कर देता है। तो यहाँ से ये आ गया आपका 18 डिग्री। तो वो ध्यान से देखेंगे हम, 2 to 4 है ना, 2 to 4 कटता नज़र आ रहा है मेरे को ये रहा, और यहाँ बना आपका √5 + 1, और साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1 / 4, और यहाँ बन जाएगा आपका cos 7 डिग्री। और थोड़ा सा आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नज़र आएगा, तो 5 - 4, 5 - 1/4, और यहाँ आएगा cos 7 डिग्री। अब आप वापस बोल सकते हो कि सर ये कट गया है, कोष्टक पूरा कंप्लीट कट गया है, तो आपका ओवरऑल आंसर आया है cos 7 डिग्री।